हेलो एवरीवन गाइस, आई एम योर कोच दीपक वाधवा हेयर। मैंने कल एक वीडियो डाला था, उस वीडियो मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ रिगार्डिंग द रिजल्ट। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई नो दैट, है ना, कि सभी को पता है रिजल्ट, बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा था कि सर एविडेंस तो दिए ही नहीं। आई डोंट नो ये कैसा मतलब एनवायरमेंट है जहाँ ऐसा कुछ है। मैं आपको स्क्रीनशॉट बाद में दिखाता हूँ, पहले कुछ एक ना ओपन सोर्स की बात कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट क्यों? क्योंकि वेबसाइट मेरी है ना, वहाँ पे कोर्स मेरे पास है, जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी स्क्रीनशॉट जनरेट कर लो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। बट स्टिल बच्चे सेलेक्ट हो गया, होता है ऐसा, एक बच्चा जो सेलेक्ट नहीं हुआ, हम अक्सर करते हैं कि उस बच्चे से आप पूछ लो, लेकिन जो बच्चा सेलेक्ट हो गया उसका अगर नंबर या मेल शेयर कर देना तो उसको मल्टीपल कॉल जाना स्टार्ट हो जाती है, वो बच्चा बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है, स्पेशली जो सेलेक्ट हो गए, है ना। सो जब बात करता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर की, आपके पास क्वेश्चन पेपर है नहीं हो तो प्लीज़ आप मुझे बोलना, मैं आपको PDF दूंगा। सामने स्क्रीन पे ना वो कुछ एक टाइटल दिख रहे हैं, है ना, आप एक बार इन टाइटल्स को देखो। ये टाइटल्स क्या है? ये मेरी YouTube वीडियोस है जो मैंने ओपन सोर्स में डाली हुई है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी। वीडियोस के टाइटल आपको दिख रहे हैं, स्कीम बाय नाबार्ड लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन वहां से था, एक टिलेज वाला पार्ट था, टिलेज वाले पार्ट से दो क्वेश्चन आए थे, एक रिड्यूस टिलेज का क्वेश्चन था और एक जीरो टिलेज वाला क्वेश्चन था। आप एक बार प्लीज उस वीडियो को देखना, आई थिंक 30 मिनट्स की है। उस वीडियो में बहुत अच्छे से यही एक्सप्लेन किया गया, व्हाट इज कन्वेंशनल, What is reduced and what is conservational? 0 to 15%, 15 to 30%, and 30 से ऊपर, है ना? उसको देखना, दो क्वेश्चन हमने वहां से कवर किए, सोयल हेल्थ कार्ड से एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट तीन क्वेश्चन थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, मे बी कह सकते हैं करंट अफेयर्स का पार्ट था, बट स्टिल ओपन सोर्स में, ठीक है, पेड कोर्स होगा अलग बात है, लेकिन ओपन सोर्स में ये सभी बच्चों के लिए अवेलेबल करवाया गया। उसके बाद नेक्स्ट ई नाम से दो क्वेश्चन थे, उन दोनों क्वेश्चन कवर किया, कितनी मंडियां कवर की गई वो भी वहां पे था, एंड उसका कब स्टार्ट हुआ है, इजी था क्वेश्चन ये, नो डाउट, है ना, बट ओपन सोर्स में हमने उससे भी कवर किया। एक क्वेश्चन था प्रोब्लेमेटिक सोयल पे, कि कौन से स्टेट में एल्केलाइन प्रॉब्लम ज्यादा, जो एल्केलाइन सोयल है वो ज्यादा है, है ना। तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था ये वाला, फिर से रिवाइज हुआ, उसका भी एग्जैक्ट हमने डेटा दिया हुआ है। आप एक बार प्लीज थोड़ा सा वीडियोस में जाओ, यहाँ पे सारी चैनल के अंदर वीडियो लिस्ट है। प्रोमेटिक सोयल का जो पार्ट है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, समझते हैं, समृद्धाओं के नाम से हिंदी में होगा, इंग्लिश में प्रोमेटिक सोयल है, उसके अंदर एग्जैक्ट हमने डेटा दिया था स्टेट वाइज किस स्टेट में हाईएस्ट है, तो ये हमने वहाँ फ्री सोर्स में कवर करा। देन एग्रोनॉमी में एक क्वेश्चन था पेग फॉर्मेशन, जो ग्राउंडनट में होता है ना, वो भी उस एग्रोनॉमी के लेक्चर में कवर किया गया। तो टोटल अगर मैं ओपन सोर्स की बात करता हूँ, स्क्रीनशॉट बात की बात है, कंप्लीटली फाइन, मैं ऐसा करता ही हूँ, मेरे ऑफलाइन जो स्टूडेंट आते हैं, है ना, फरवरी से बैचेस स्टार्ट होते हैं, मैंने फोटोज ले लिए उनकी, उनका एक फॉर्म भरवा लिया, बट रोल नंबर ये वो सब बाद में हम नहीं करने वाले, है ना। लेकिन ये जरूर था, ये ओपन सोर्स है, मैं स्क्रीनशॉट दूंगा तो शायद उसमें कहीं ना कुछ हो सकता है कि मेरी वेबसाइट है जनरेट करो, बट ये नहीं हो सकता। यूट्यूब पे जो 6 महीने पहले वीडियो थी वहीं पे रहने वाली है। प्लीज एक बार इन टाइटल्स को चेक करो, इन वीडियोस को चेक करो, हमने ओपन सोर्स से आपके 60 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन कवर किए, 11 क्वेश्चन वो थे जो कहां से आया, ओपन सोर्स से, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो से। मैं नेक्स्ट मूव करता हूं, इसके बाद अगर बात करता हूं, सामने आपको सभी को पता है करंट अफेयर्स की जो बुक थी आपकी, है ना, इस करंट अफेयर्स की बुक से ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि सभी के पास थी, है ना, और आई नो के कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिया गया, एक दो ऑप्शन और भी थे मार्केट में, बट मैं जब गया, मैंने महाराष्ट्र में सेमिनार लिया, मैंने BHU में सेमिनार लिया, मैंने पंजाब की यूनिवर्सिटी में सेमिनार लिया, तो सेमिनार में अक्सर गैदरिंग होती है 500, 600, 700 बच्चों की, आई जस्ट आस्क देम फीडबैक कि आपने क्या पढ़ा, सो एवरीवन वाज देयर के सर अमेज़न से ऑर्डर नहीं कर पाए थे, बट वी वर हैविंग द हार्ड कॉपी, फोटोकॉपी उस बुक की, है ना, आपके हाथ में बुक है। फिर से वही बात, वेबसाइट नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि वेबसाइट में तो कुछ भी चेंज करो, स्क्रीनशॉट डालो, आप बुक आपके हाथ में है, हार्ड कॉपी आपके पास है, प्लीज एक बार खोलो बुक को और उसमें देखो AFO में क्या आया था और हमने बुक में क्या डाला था। बात हुई है ना, यहां पे खड़े होकर क्लेम करना इज इजी टास्क, लेकिन एक्चुअली क्या था क्या नहीं था वहां पे आप चेक करो। तो मैंने आपको वीडियो के सोर्स भी दिए और आपको बुक का सोर्स भी दिया, आपके हाथ में इस टाइम पे आप जैसे चाहो उसे मूव करो, चेक कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद जब मैं ये बोलूं कि मेरे इतने सिलेक्शन हुए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए आई थिंक सो इतने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा नहीं जिसने इतने सिलेक्शन दिए, और मे भी होगा तो डजेंट मैटर फॉर मी, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं उन 139 की बात करता जाऊं जिस दिन रिजल्ट आया था। रिजल्ट वाले दिन जस्ट एक हमने एवरेज लिया कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उस दिन पहला कंसर्न ये था कि जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए क्या, क्योंकि सेलेक्ट हो गए इट्स ओके, है ना, बट ये नहीं कि बिजनेस है जस्ट उन बच्चों को छोड़ो सेलेक्ट नहीं हुए। सो AFO की क्लासेस है, CWC क्लासेस है, FCA क्लासेस है, तीनों क्लासेस हम उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जो क्या है पिछली बार सेलेक्ट नहीं हुए। लाइव क्लासेस है, टाइमिंग हमने आपको पता है 7 to 9 AFO वाली क्लास हमने दी हुई है, एंड 1:30 to 3 जो है वो CWC FCA, क्योंकि उसका ड्यूरेशन कम रखा हुआ है, रीजन FCA का सिलेबस उतना नहीं है, बट बोटनी है, जूलॉजी है, जो AFO में कवर नहीं करी थी उसके लिए अलग से टीचर अपॉइंट किए गए, एंड वो लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल स्टूडेंट के लिए जो हमारे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, दैट मीन्स हमारे लिए वो स्टूडेंट हमारे ही हैं,
हमें ये नहीं करना कि 139 सिलेक्शन करवा लो फिर छोड़ दो, नहीं, जिनका नहीं हुआ वो भी हमारा ही टारगेट है, सिलेक्शन करवाएंगे। सो दैट मीन्स हम 100% लेके चल रहे थे कि हमारा सिलेक्शन 100% होना चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, अगर कोई बच्चा रह गया तो कम्प्लीटली फाइन, ऐसा नहीं होता कि हम गिर गया दोबारा उठे नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो भूखा शेर होता है ना वो खतरनाक नहीं होता, सॉरी जो शेर होता है वो खतरनाक नहीं होता, बट भूखा शेर ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? अब भूख लगी है, तो शायद हम उन्हीं में से है। अब हमें ज्यादा भूख है, अगर एनर्जी लगाओगे डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं, मार्क्स कितने ही लिए जा सकते हैं, बट थोड़ी सी एनर्जी दिखानी पड़ती है। नेक्स्ट बात करता हूँ किनकी, सिलेक्टेड स्टूडेंट की, जो सेलेक्ट हो गए उनके लिए बाय बाय नहीं है, जो सेलेक्ट हो गया उनके लिए अलग से एआरडी का कोर्स, उसके लिए मैंने एक टीचर और अपॉइंट किया है जो नोट्स प्रिपेयर कर रहा है। क्लासेस के लिए दो टीचर हैं, एक मैं पढ़ाऊंगा, एक और सर है वो पढ़ाने वाले हैं। तो जो सेलेक्ट हो गए बच्चे, उसके बाद भी बच्चों का होता है कि सर हमें नाबार्ड की प्रिपरेशन करनी है, रीजन इज एएफओ लग के कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि थोड़ी लाइफ में और ग्रोथ होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं वो 139 टोटल के टोटल स्टूडेंट के लिए एआरडी की जो क्लासेस है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईएसआई भी हम ट्राई कर रहे हैं कि कवर करेंगे, इंग्लिश हमने लास्ट ईयर उन बच्चों को दिया ही हुआ है ना। सो इंग्लिश, ईएसआई, एआरडी तीनों सेक्शन है जिनमें से 40-40 क्वेश्चन आते हैं, तीनों हम कवर कर रहे हैं, एंड अगेन दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किन के लिए? जो सेलेक्ट हो गया, जो नहीं हुए वो बच्चे एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री, अदरवाइज ये भी करेंगे तो ये भी लाइव क्लासेस उनके लिए फ्री होंगे। चलो अब आता हूँ फाइनल पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे हर मतलब वो पॉइंट, क्योंकि वीडियो मैं 7 डेज कानपुर था तो मुझे वहाँ से मैसेज मिलते रहे सर वीडियो नहीं पोस्ट करा, रीज़न इज मेरी प्रेफरेंस था ही मेरे बच्चे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको कुछ ऐसा कंटेंट दे दो। एनएससी का पेपर 13 तारीख को आने वाला था, अगर मैं एक ही तारीख को वीडियो डाल लेता मेरा टाइम कहीं ना कहीं इस वीडियो पे चला जाता तो उनको मैं कंटेंट नहीं दे पाता। बट मैंने पहले उनको मार्केटिंग क्लास दी, किनको? मार्केटिंग ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट को। देन जनरल क्लासेस दी किनको? जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। उसके बाद FCA CWS में कब से चलाया हुआ है ताकि बच्चे वहाँ पे कंटेंट कवर करें, बट फिर ये था कि वीडियो भी चाहिए, है ना, तो वीडियो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी। सो अब मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको स्क्रीनशॉट्स हैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स सारे प्ले हो रहे हैं, यू कैन चेक द रिजल्ट। मैं वहाँ पे ऐड नहीं करूँगा किसी की मेल आईडी, रीज़न ये प्राइवेसी है ना, यहाँ पे डिफिकल्टीज आती है, सेलेक्टेड स्टूडेंट को ज्वाइन करना है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज परस्यू करनी है और ये पब्लिकली ठीक सा भी नहीं लगता है ना। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं एक कोचिंग सेंटर है, मेरा एजुकेटर हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे नंबर देना है बच्चों को, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, बट मुझे पता है मैं कैसे हैंडल करता हूँ 4% है जो पूरा दिन फोन कॉल्स पे होते हैं, तो मैं रैंडमली पब्लिश करवा थोड़ा सा गलत हो जाता है यार, बच्चा कंप्लेन करता है कि कैसे मेल आईडी दे, मुझे मेल्स आ रही है। तो मेल आईडी नहीं दे रहा हूँ बट सभी के रिजल्ट दे रहा हूँ जो सेलेक्ट हुए फ्रॉम एग्री कोचिंग चंडीगढ़। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुड़।